हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं। तो ये मॉर्निंग टाइम है, लगभग सुबह के 10 बज रहे हैं। 2 घंटा हो चुका है मुझे योगा करते हुए और बच्चे भी उठ गए थे, तो लाडू मुझे कॉपी करी। जब भी वो मुझे ना योगा करते हुए देखती है, एक्सरसाइज करते देखती है, तो जो भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ वो मुझे कॉपी करती है। तो मेरा 2 घंटा हो चुका है योगा का, अब वो कॉपी कर रही थी तो मुझे भी हंसी आ रही थी। ठीक है, चलो तुम्हें मैं सिखा देती हूँ थोड़ा सा योगा करना। वैसे तो उसको सारे योगा के स्टेप पता है, इसीलिए मैं बहुत ही आराम आराम से सूर्य नमस्कार कर रही थी ताकि वो धीरे धीरे सीख जाए। आराम से स्टेप बता रही थी कि तुम भी आराम से कर सको, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी इंटरेस्ट ले योगा एक्सरसाइज में। लाडो को इंटरेस्ट है, लेकिन पता नहीं आदि को तो किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं, ना खाने में। बहुत टाइम के बाद मैं इतनी देर योगा की हूँ और इसका मेन कारण क्या है ना कि आदि का स्कूल में छुट्टी हो गया है, हो गया मतलब इसी वीक से स्टार्ट हो गया छुट्टी। अभी 2 महीने इसकी छुट्टी रहेगी, तो अब मुझे मौका है कि मैं योगा को अच्छे से टाइम दे सकूं। सुबह सुबह मैं योगा अच्छे से नहीं कर पा रही थी क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस के लिए टिफिन देना होता था और उसके तुरंत बाद मुझे घर के काम करने होते थे, इसको उठा करके नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना और स्कूल इसको पहुँचाना भी होता था, लंच बनाओ फिर स्कूल से लेकर के आओ। तो योगा के लिए बहुत कम टाइम मिलता था, मतलब मुश्किल से आधा घंटा ही मैं किसी तरह टाइम निकाल पाती थी, या फिर कहा जाए कि उससे भी कम, या कभी कभी मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन अब आदि का हो गया है छुट्टी, तो अब मुझे योगा के लिए टाइम भी मिल रहा है और मैं 2 काम स्टार्ट करने वाली हूँ। एक तो डांसिंग क्लास ज्वाइन करने वाली हूँ और दूसरा मैं सोच रही हूँ कि मैं जिम ज्वाइन करूँ जो आदि के स्कूल के बगल में है। लेकिन जिम अभी नहीं ज्वाइन करूँ, जब आदि का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, लाडो का भी स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तो दोनों को स्कूल भेज दूंगी। उस टाइमिंग में मैं सोच रही हूँ कि जिम ज्वाइन करूँ और डांस क्लास जब जाऊँगी ना तो दोनों बच्चों को साथ में लेके जाऊँगी, तो दोनों मेरे साथ भी डांस सीख लेंगे। वहाँ पे बच्चों को भी सिखाया जाता है और लेडीज़ को भी सिखाया जाता है, तो ये अच्छा मौका है। तो अभी मैं जस्ट योगा करके आई हूँ, तो अभी तो मैं नहीं नहाऊंगी, मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को नहला देती हूँ, फिर उसके बाद मैं नहाती हूँ। क्या हो गया लाडो? छिल गया। हाँ। मन में ना एक डर बैठ गया था कि अगर गर्दन छुएगी मम्मी नहाते समय तो उसे काफी दर्द होगा, जलन होगा, तो मैं उसे समझा रही थी कि नहीं दर्द होगा। बेटा नहाओगी नहीं क्या? यहाँ जलन देख, यहाँ नहीं साबुन नहीं लगाएंगे, नेक में साबुन नहीं लगाएंगे। चलो चलो नहाओगी। मम्मी वहाँ छुएगी नहीं, मम्मी वहाँ पानी भी नहीं डालेगी, साबुन भी नहीं डालेगी, ठीक है? या नीचे से, यहाँ ये ना शोल्डर्स के नीचे से नहलाएंगे, यहाँ पे नहीं छुएंगे, ठीक है? ठीक है। लाडो को ना एक प्रॉब्लम है, नहा लेती है ना तो नहाने के बाद उसको छींक बहुत ज्यादा आती, कंटिन्यू वो छींकते रहती नहाने के बाद। अभी गर्मी का मौसम है तब भी वो छींक रही है। ये देखिए लाडो का आंख, जब भी बेचारी नहा के निकलती है ना तो इसको बहुत ज्यादा छींक आती है। लाडो कह रही थी कि उसका पैंट काफ़ी लंबा है, बड़ा है, तो मैं वही देख रही थी कि ये तो उसके परफेक्ट साइज में है, वैसा चूड़ीदार उसका है ही, क्योंकि ये जो पैंट है वो 3 से 4 साल के बच्चों के लिए है और ये तो 3.5 साल की हो गई है, अक्टूबर आते आते 4 कंप्लीट कर भी जाएगी। तो मैं उसे बता रही थी कि नहीं बेटा ये तुम्हारे साइज का है। आजकल छोटे बच्चे को भी देखिए, इसका डेली का ये हाल है, जब भी मैं नहाती हूँ चाहे सर्दी हो या गर्मी हो उसको छींके आती है, और ज्यादा नहीं पर 10-15 मिनट के लिए उसको सर्दी जरूर रहता है। अभी नहा के रेडी हो गई, कुर्ती पहनी हूँ ब्लैक कलर का, और ब्लैक कलर ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मेरे पास ना 5 या 6 ऐसा टॉप है, मतलब ब्लैक कलर का, और मुझे बहुत ज़्यादा मन है कि मैं एक ब्लैक कलर का साड़ी खरीदूँ, मतलब एकदम प्लेन ब्लैक हो, बहुत ज़्यादा उसमें वर्क ना हो, उस टाइप का मुझे मन है लेने का। तो सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जाऊँ तो मैं लूँ। आप लोग अगर कुछ देखिए लाडो को कितनी छींक आती है नहाने के बाद, ये इसकी प्रॉब्लम है ना सर, मतलब सोचे गर्मी है फिर भी इसको इतनी छींकें आती है, दिक्कत हो जाती है ना। तो इसके पापा कहते हैं ना इसको साइनस है, इतनी छोटी बच्ची को साइनस कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ उसको रोज छींक आती नहाने के बाद, ये प्रॉब्लम है। मैं क्या कह रही थी कि मुझे ना ब्लैक कलर का साड़ी लेनी है और फ्राइडे को इंगेजमेंट अटेंड करना है, संडे को मुझे शादी अटेंड करनी है, और मैं सोच रही हूँ कि सैटरडे को शायद पूर्णिमा वगैरह कुछ है क्या, मुझे देखना पड़ेगा। अगर है सैटरडे को तो मैं सोच रही हूँ कि उस दिन मैं कथा करवाऊँ घर पर, मुझे बहुत ज़्यादा मन है कथा करवाने का। मैं बहुत ज़्यादा कैलेंडर नहीं देखती हूँ, सिर्फ मुझे पता नहीं रहता है, तो ये पूर्णिमा दिखा रहा है 16 तारीख को। मुझे ना कथा करवाने का बहुत मन कर रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कथा होना ज़रूरी है, घर में टाइम टू टाइम पूजा पाठ होना चाहिए,
और सैटरडे का दिन है, लेकिन यही है कि फ्राइडे को एंगेजमेंट अटेंड करना है, संडे को शादी, बगल में ही एकदम जस्ट मेरे बगल वाले फ्लैट में फंक्शन है, तो सैटरडे को करना है। अच्छा छुट्टी का भी दिन है, फ्राइडे को भी गुड फ्राइडे है तो उसका भी छुट्टी हो जाएगा, तो हस्बैंड घर में रहेंगे तो अरेंजमेंट करना आसान हो जाएगा एक दिन पहले। लेकिन हस्बैंड को बोली नहीं हूँ कि मुझे कथा करने का मन है सैटरडे को, मैं सोच रही हूँ कि उनको फ़ोन करके मैं कहूँ कि सैटरडे को कथा करना है, तो फ्राइडे को आपको देखना पड़ेगा, मतलब पंडित जी को ढूंढना पड़ेगा ना, बिना पंडित जी से बात किए कथा का तो इंतजाम नहीं कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ उनको फ़ोन करके बोलती हूँ कि आप पंडित जी देख लीजिए सैटरडे के लिए, यहाँ पे ना पंडित जी जल्दी मिलते नहीं है, प्रॉब्लम ये शहर में ना पंडित जी इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, तो कथा करवा लेते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा मेरा मन भी शांत हो जाएगा। थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब चल रही थी 3-4 दिन से, हूँ डिस्टर्ब तो हूँ, मेरा मन अभी थोड़ा सा ना शांत नहीं है। कथा ऐसे भी कराना है क्योंकि लाडो के नाम का मन्नत है ना, साल में 2 बार कथा कराना है। देर मिल क्या करोगी, फ्रिज खोली हो तो निकालो, नीचे जो है ना प्लास्टिक उसमें है छिपा के रखी हूँ ताकि किसी को दिखाई ना दे कि वहाँ कैडबरी है, पर ये लास्ट पीस है इसीलिए मैं बता दी हूँ कि नीचे मैं रखी हूँ, इसको पता ही नहीं था कि मम्मी कहाँ पे चॉकलेट रखी है, कहाँ से निकालती है, निकालो, डबल प्लास्टिक करके रखी ताकि चॉकलेट कहीं से दिखे ना। हाँ ये लास्ट पीस बचा हुआ है, लास्ट पीस है इसीलिए मैं बता दी कि मैं फ्रिज में रखी हूँ, डबल प्लास्टिक करके रखी हूँ, नेक्स्ट टाइम छिपाने के लिए कुछ दूसरा जगह ढूंढना पड़ेगा, गर्मी का टाइम है ना तो फ्रिज से बेटर कोई जगह नहीं। लो हैप्पी, लेकिन अकेले नहीं खाना है, सबको देना है, आदि को कोई इंटरेस्ट नहीं है खाने में और मैं उसको दूंगी भी नहीं चॉकलेट, उसको ज्यादा मैं मीठा नहीं देती हूँ, डॉक्टर मना किए मीठा एकदम नहीं खाना, मतलब बिल्कुल ही मना है आदि को मीठा खाना, लेकिन बेचारा बच्चा है ना तो कभी कभी थोड़ा बहुत चॉकलेट खा लेता है, पर उसको इंटरेस्ट भी नहीं है चॉकलेट खाने में, इसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है कैडबरी चॉकलेट। हम है ना ये अंकल आंटी को दे रहे हैं, तुम्हारे अंकल आंटी है, दीदी भैया है, क्या बोले कमेंट में बता दीजिएगा, आप लोग लाडू को क्या लगेंगे, अंकल आंटी लगेंगे या दीदी भैया लगेंगे, दीदी भैया, देखिए दीदी भैया बना रही है आप लोगों को। मैं यहाँ पे एप्पल कट कर रही थी अपने लिए क्योंकि नाश्ते में मैं फ्रूट्स ही खाती और 2 ही एप्पल घर पे थे भी, और गर्मी में मुझे ना ड्राई फ्रूट्स खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, एक तो गर्मी और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और गर्म करता है, तो इसीलिए मैं सिर्फ फल खाने का ही सोची, पर 2 ही फल थे तो अकेले फल खाना अच्छा नहीं लगता था, बच्चे जब घर पर हो तो उन्हें भी देना सही है, तो मैं लाडो के लिए 1 एप्पल निकाल रही थी, और आदि को तो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, उसको बोलते रह जाओ पर वो नहीं खाता है, तो 1 एप्पल मैं खाने का सोची थी और 1 लाडो को दे रही थी, यही मेरा नाश्ता समझ लीजिए, क्योंकि मैं सुबह अनाज नहीं खाती हूँ ये आपको भी पता है। लाडो ये क्या हरकत की, हम तो एप्पल खाने के लिए दिए थे ना बेटा, ये देखिए पूरा वाल को ये देखिए एप्पल से पूरा ये कर दी, क्या हम बोलेंगे इस लड़की को, 1 हफ्ता पहले ही कलर हुआ है, ये पूरा दाग लगा दिया, अब ये दाग जाएगा नहीं जाएगा, इसके पापा देखेंगे ना तो उनको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि बहुत मेहनत का पैसा लगता है ना, इतना खर्चा करके किए हैं, आपको मैं दिखाऊं पूरा ये लिखी है ये लड़की यहाँ पे पूरा, यहाँ आपको दिख रहा है ये व्हाइट कलर का, ये ब्रश में पेस्ट लगा करके पूरा ऐसे से की है, और ये पूरा चॉकलेट लगाई है, क्या ये देखिए कह रही की इधर भी दिखा दो, इधर भी कारनामा की है, खुद बता रही है, मैं हैप्पी बर्थडे में पापा बलून लगाई ना और ये यहाँ केक लगा, देखिए यहाँ केक लगी, ये देखिए केक लगाई है, 1 हफ्ता पहले ही ये कलर हुआ है, सिर्फ मतलब 1 महीना तुमने लगाई थी, नहीं झूठी नंबर 1 है, सारा कांड कर ली है, और हम लोग नजर के सामने कांड करती, सीधे बोलती है मैंने ही क्यों, 1 महीना और मुझे लगता है पूरा घर का जो कलर है ना वो बर्बाद होने वाला है। यहाँ मैं लंच करवा रही हूँ लाडो को, तो ऐसा है कि आजकल मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम हो रखा है, क्योंकि करने के लिए अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, गर्मी का छुट्टी है ना, बच्चों का स्कूल भी बंद है तो पढ़ाना भी कुछ होता नहीं है कि कुछ पढ़ाऊँ, क्योंकि बुक्स भी नहीं है नए, तो मैं हस्बैंड को बोली हूँ कि आप आते वक्त इन लोग का नए क्लास का बुक्स ले आइएगा खुद से, स्कूल वाले तो 2 महीने के बाद देंगे, लेकिन 2 महीना तो हम लोग समय बर्बाद नहीं कर सकते ना, इस 2 महीने में तो बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, तो बुक्स रहेंगे तो दोनों बच्चों को मैं पढ़ाऊँगी, लाडो अब नहीं पढ़ती पर अब मुझे उसके पीछे मेहनत करना पड़ेगा, और ट्यूशन देने का मतलब है कि मुझे लाने और पहुँचाने का झंझट उठाना पड़ेगा, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने सोसाइटी में ही कहीं इसका ट्यूशन लगा दूँ, क्योंकि मेरा बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है, और डांस क्लास में इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ ताकि मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर लें, और इस तरह से जो टाइम अभी हमारे पास है फ्री टाइम है उसका अच्छे से यूटिलाइज कर लूँ।
इसके बाद भी अगर समय बच जाता है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे न्यू अकाउंट बनाऊँ और नए तरीके से उसमें काम करूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।